प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद दे रहे हैं और काशी की जनता के बीच में देखिए किस तरीके से संदेश जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मौकों पर काशी आते हैं, लेकिन अब क्योंकि लोकसभा चुनाव है और जाहिर तौर पर चुनाव जीतने के लिए और जो 405 का आंकड़ा 400 का आंकड़ा इस वक्त बीजेपी ने अपने सामने रखा हुआ है, उसमें जाहिर तौर पर काशी की जनता का, पूर्वांचल की जनता का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंच चुके हैं, कल वो आजमगढ़ भी जाएंगे और आज रात काशी में रुकेंगे। ये कई मौकों पर हमने देखा है जब भी प्रधानमंत्री इस तरीके से रात्रि विश्राम काशी में करते हैं, वाराणसी में करते हैं, तब वो रात में दौड़ों पर निकलते हैं। हमने कई बार देखा स्टेशन पर गए या फिर अलग अलग जगह पर उन्होंने जाकर काशी के जो विकास कार्य है उनका जायजा लिया है। तो शायद आज हो सकता है कि आज भी ऐसी तस्वीर सामने आए, क्योंकि वो सरप्राइज विजिट रहते हैं, वो प्लान विजिट नहीं रहते और एकदम से प्रधानमंत्री रात में कभी 11-12 या उसके बाद भी निकलते हैं। तो देखा जाता है वो तस्वीर कि किस तरीके से प्रधानमंत्री वाराणसी के विकास कार्यों का जायजा लेते हैं और शायद आज भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज भी रात्रि विश्राम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रहेंगे और इसके साथ साथ जो बैठक होगी उस बैठक में भी शामिल होंगे, अलग अलग पदाधिकारियों की बैठक होगी। इस पूरे चुनाव को लेकर जो प्लानिंग की गई है, किस तरीके से धरातल पर काम हो रहा है, उसकी बकायदा प्रधानमंत्री उनसे चर्चा करेंगे, उनसे रिपोर्ट कार्ड भी लिया जाएगा किस तरीके से काम हो रहा है, क्या क्या चुनाव को लेकर उनकी तरफ से तैयारी की जा रही है, इसका भी प्रधानमंत्री उनसे चर्चा करेंगे। और अब देखिए इस वक्त जो पूरी पूजा का विधि विधान है उसका पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पवन, जो जीत का आशीर्वाद है वो प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, जो मंत्रोच्चार हमने देखा उसमें भी देखा गया कि दोबारा से देश का प्रधान बनने के लिए, दोबारा से काशी में विजय पाने के लिए उसका आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को